भाइयों और बहनों, राजनीति से अलग हमारी सरकार की प्राथमिकताएं कैसे अलग रही, कैसे हम एक योजना से दूसरी योजना को जोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उससे सिस्टम कैसे स्मूथ और ट्रांसपेरेंट हो रही है, इसके एक और उदाहरण पर मैं आपको आपसे विस्तार से बात करना चाहता हूं। आपको याद होगा कि जब हमने 4 साल पहले जनधन योजना शुरू की थी तो कितना मजाक उड़ाया गया था। कुछ लोग कहते थे कि गरीबों का बैंक खाता खुलवाकर हमने कौन सा तीर मार लिया। ये डायलॉग याद होंगे आपको, अगर ये मीडिया वालों की पुरानी चीजें खोजोगे तो सब मिलेगा उसमें। कई लोगों ने तो यहां तक कहा कि जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है वो बैंक में खाता खुलवाकर क्या करेगा। ऐसी ही मानसिकता की वजह से हमारे देश में आजादी के इतने वर्षों के बाद भी आधे से ज्यादा लोगों के पास बैंक खाते नहीं थे। अब आज हमारी सरकार के प्रयासों की वजह से देश में 34 करोड़ से ज्यादा लोगों के बैंक खाते खुले हैं और एक रिपोर्ट ये कहती है कि दुनिया में जितने खाते खुले करीब करीब उतने ही अकेले हिंदुस्तान में खुले। साथियों, जनधन अकाउंट खुलने के बाद हमने उन्हें आधार नंबरों से जोड़ा, कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा अकाउंट मोबाइल नंबर से भी जुड़ जाए। अब उन्होंने खाते खोले नहीं, आधार की क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन जब आधार का सदुपयोग हमने शुरू किया तो यही अदालतों में जाकर के आधार को अटकाने के लिए अड़ंगे डालते थे। अब मैं आगे जो बताऊंगा उसको अंदाज आएगा कि आखिर आधार से उनको तकलीफ क्या थी, उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा था, क्यों अदालत में जाकर के आधार को रोकने के लिए दिन रात एक किए। इधर हम देश में जनधन खाते खोल रहे थे, उधर उन सरकारी योजनाओं को भी खंगाला जा रहा था जिसमें लाभार्थियों को पैसे दिए जाने का प्रावधान था। पहले ये पैसे कैसे मिलते थे, कौन बीच में उन्हें पचा जाता था, मुझे किसी का वर्णन करने की जरूरत नहीं, आपको भली भांति पता है। भाई और बहनों, हम एक एक करके योजनाएं खंगालते गए और उन्हें जनधन खातों से जोड़ते गए। आज स्थिति यह है कि सरकार की 425 से ज्यादा योजनाओं का पैसा सीधा लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर हो रहा है। हमारी सरकार के दौरान करीब करीब 6 लाख करोड़ रुपए, ये छोटा अमाउंट नहीं है जी, 6 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने सीधे उन लाभार्थियों के खाते में सीधे जमा करवाए हैं। और मुझे ये कहते हुए गर्व है कि पहले की तरह 100 में से सिर्फ 15 पैसे नहीं बल्कि पूरे 100 पैसे लाभार्थियों को मिल रहे हैं। सरकार के इन प्रभावों का भ्रष्टाचार और काले धन पर क्या प्रभाव पड़ा है, ये भी आपको जानना जरूरी है। साथियों, जनधन अकाउंट, आधार और मोबाइल को जोड़ने का नतीजा ये हुआ कि एक के बाद एक करके कागजों में दबे हुए फर्जी नाम सामने आने लगे। आप सोचिए, अगर आपके ग्रुप में या चैनल में 50 लोग ऐसे हो जिनकी हर महीने सैलरी जा रही हो, हकीकत में वो पैदा ही न हुए हो, तो आपकी चैनल का क्या होगा, आपके ग्रुप का क्या होगा।
हमारे देश में ऐसा ही चल रहा था जी, जो पैदा नहीं हुई है उनकी बेटी की शादी हो जाती थी, शादी होकर को विधवा हो जाती थी, विधवा होकर के हर महीना उसको पैसा भी जाता था, ये किसकी जेब में जाता था जी। अब यहां एचआर वाले लोग कहेंगे कि हमारे यहां ऐसा हो ही नहीं सकता, स्वाभाविक है। लेकिन साथियों, पहले की सरकारों ने देश में जो व्यवस्था बना रखी थी उसमें एक दो नहीं, ये आंकड़ा भी आपको चौंकाने वाला है जी, एक दो नहीं, 8 करोड़ ऐसे फर्जी नाम थे, 8 करोड़, जिनके नाम पर सरकारी लाभ ट्रांसफर किया जा रहा था। साथियों, सरकार के इस प्रयास से 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम रुपये जो गलत हाथों में जा रहे थे वो बच रहे हैं। 1,10,000 करोड़ रुपया। और जब मैं ये कहता हूं कि 1,10,000 करोड़ रुपए बच रहे हैं, तो ये भी सोचिए कि पहले यही पैसे और हर वर्ष आज दुनिया के सबसे बड़ी वेलफेयर स्कीम का मजबूत आधार बन रही है। अब आप समझ पाए होंगे कि आधार को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट चक्कर क्यों काटते थे। आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, इतने बड़े बड़े वकीलों को क्यों रोका था? क्योंकि आधार का ऐसा उपयोग मोदी कर रहा है कि जिनकी जेब में 1,10,000 करोड़ जाता था उनकी दुकान को ताला लग रहा था। आज जिस आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के लगभग 50 करोड़ गरीबों को जो 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जा रहा है, उसमें भी लीकेज की गुंजाइश करीब करीब जीरो करने की कोशिश है हमारी। इलाज का पूरा पैसा सीधे अस्पताल में अकाउंट में जाता है, जिसके लाभार्थी आधार नंबर से लेस हैं और उनका सिलेक्शन 2015 में जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश हुआ था उसको हमने आधार बना करके इसको आगे बढ़ाया है। करीब करीब हर वेलफेयर स्कीम के लिए हमने यही तरीका अपनाया है, यही मानक अपनाया है, जिससे बेईमानी और लीकेज दोनों पर लगाम लगी है। आपकी जानकारी में है कि कल ही हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की, और मेरे लिए खुशी है कि कल देश के किसानों को एक बहुत, मेरे लिए वो जय किसान था, और आज देश की सेना के जवान जो 70 साल से एक नेशनल वॉर मेमोरियल का इंतजार कर रहे थे, आज का मेरा दिन जय जवान है। देश के लगभग 12 करोड़ किसान परिवारों को उनकी छोटी छोटी जरूरत पूरा करने के लिए, जैसे चारा खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए, कीटनाशक खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए, सरकार साल भर में लगभग 75,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर करने जा रही है। इस योजना में भी लीकेज की संभावना जीरो है। अब सोचिए, किसी को चारा घोटाला करना हो तो कैसे कर पाएगा, क्योंकि अब तो सीधे मोबाइल पर मैसेज आता है, कच्ची पक्की पर्ची का तो सारा इंतजाम ही मोदी ने खत्म कर दिया है। और इसलिए ही तो ये जो मुझ पे जुल्म हो रहा है ना, पानी पी पी करके ठोकते रहते दिन रात, उसका कारण क्या है? ये सबकी दुकानें बंद हो गई है जी,